हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट बायो। जो हमारा पिछला वीडियो था हाउ टू इम्प्रूव बैटिंग स्किल्स एट होम, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया उस पर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बॉलर्स पे क्यों ना बनाई जाए। अब मैं इस वीडियो में आपको तीन कुछ ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप अपना रनअप से लेके आप अपनी डिलीवरी पॉइंट तक आप अपना वीकनेस इससे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि घर बैठे आप बॉलिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आपकी बॉलिंग में बेनिफिट ज़रूर होगी। अगर आपको बेनिफिट देखनी है तो चलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर दें। तो हमारी पहली ड्रिल है रनअप। मैंने काफ़ी बॉलर्स को देखा है वो अपने रनअप पे ध्यान नहीं देते। अगर आप रनअप पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी बॉलिंग स्पीड आप 140-150 प्लस नहीं डाल पाओगे। आपका रनअप फास्ट रहना चाहिए। तो आप रनअप घर बैठे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैंने उसके लिए एक ड्रिल प्रिपेयर की है आपके लिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक ऐसे रबर बैंड चाहिए, ऐसी रबर बैंड जो ऐसे स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। इसको ये इस ड्रिल को करना कैसे मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। तो इस ड्रिल में आपको करना क्या, आप ट्राई करो कि आप रन करो, आपके पूरा स्ट्रेंथ आपके टो पे रहना चाहिए। आप रन करने के टाइम आपका आप ऐसे टो पे भागो, ऐसे पूरे पैर पे मत भागो, आप अपने टो पे भागो और ट्राई करो आप जितने अपनी एनर्जी लगा सको इसमें, ट्राई करो ज़्यादा एनर्जी लगा के आप रन करो, ऐसे पुश करो अपने आप को, ऐसे आगे पुश करो। इससे आपकी रनअप काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप इस ड्रिल को आप डेली करो घर पे, इससे रनअप आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो हमारी सेकेंड ड्रिल है ग्रिप ऑन अ बॉल। मैंने अक्सर बॉलर को देखा है जो ये दो फिंगर्स देती है वो एक परफेक्ट सेम पोजीशन पे नहीं रखते, या फिर फिंगर्स में गैप रहती है, या फिर वो फिंगर्स काफ़ी एक के ऊपर एक चली जाती है। तो अगर आपकी फिंगर्स सेम पे नहीं रहेगी तो आपकी वो बॉल उतनी फास्ट डिलीवर नहीं होगी, या और इन स्विंग आउट स्विंग होने के बहुत कम चांसेस है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो मैं आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ड्रिल लेके आया हूँ, चलिए उस ड्रिल को देखते हैं। तो सेकेंड ड्रिल करने के लिए आपको चाहिए सेलो टेप। आपको ये सेलो टेप अपने इन दो फिंगर्स के नीचे और एक ऊपर लगानी है। तो आपको लगानी कैसे एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सेलो टेप लगा ली है अपने फिंगर्स पे, अभी मेरे फिंगर्स पे कोई गैप नहीं है। आप देख सकते हो मेरे फिंगर्स पे अभी कोई भी गैप नहीं है और मेरी फिंगर्स एकदम परफेक्ट सीम पे है। अब देखो मेरी परफेक्ट सीम पे, अब इससे मेरी पेस पे भी इंप्रूवमेंट आएगी और मेरी इन स्विंग और आउट स्विंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। अब एक बार आपको अपने घुटनों पर बैठ के एक बार बॉलिंग करके देखिए। तो थर्ड ड्रिल हमारी लास्ट ड्रिल है। मैंने काफ़ी बॉलर्स को देखा है जो ये एक्शन करने के टाइम उनका पूरा 360 हैंड रोटेट नहीं होता, उनका बीच बीच में हाथ एक एंगल पे आके ब्रेक होने लगता है। एक एंगल पे आएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर वो यहाँ से ट्राई करेंगे कि मैं बॉल और फास्ट फेंकूँ, पर वो जाती नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एकदम वन टेक में 360 बॉल फेंकनी है। तो इस ड्रिल में आपको अपने घुटनों पर बैठ के आपको एक्शन पूरा 360 में ऐसा वन टेक में लेना है। आपको अपना एक्शन कहीं ब्रेक नहीं करना है, वन टेक में 360 फास्ट रोटेट करो ऐसे। तो इन सारी ड्रिल्स का आप घर पे प्रैक्टिस करो, इससे डे बाय डे आपकी बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए अगर कोई भी ड्रिल से आपको कोई डाउट है, करने नहीं आ रहा है वो ड्रिल आपको सही तरीके से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ रिवर्ट करूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।